हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द वाईजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, यूनिट 10। यूनिट 10 का हम लोग पूरा रिवीजन देखेंगे। मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो टॉपिक्स हम लोग शेयर देखेंगे यहाँ पर। और साथ ही बहुत सारे एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक। साथ ही आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को जरूर से पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि तोशिबा मैम जो है वो आप सबकी फेवरेट टीचर हैं और हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप की वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। वो 30 सितंबर को शाम को 8 बजे एक वर्कशॉप लेने वाली है, जिसमें वो आपको इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम में किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वर्कशॉप को जरूर से अटेंड कीजिएगा। और साथ ही एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है और बहुत ही बेहतर समय है, जिसमें आप लोगों को मैं सक्सेस स्टोरीज ले बताऊंगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है हमारी, उनकी सक्सेस स्टोरी हम लोग शेयर करेंगे 25 सितंबर को, संडे को 6 बजे शाम को वो लाइव आ रही हैं। उनका नाम है डॉक्टर डिंपल कुल्हाड़ी। हाल ही में उन्होंने RPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था वो क्वालिफाई किया है। आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से वो खुद अपने ही जुबान से बताएंगी कि क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आई, कितने घंटे वो पढ़ाई करती थी और किस तरह से उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या उनका टाइम शेड्यूल रहता था, लास्ट के 10 डेज में या लास्ट के 2-3 डेज में उन्होंने क्या किया जिससे कि वो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और UGC नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो उन्हीं की जुबानी समझेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उसमें लाइव आप लोगों को उस सेशन को देखना है, ठीक। और ये हमारा जो है टाइम टेबल है, 24th आज है, आज तो 10 बजे क्लास हो रही है 10th यूनिट की। 25 सितंबर यानी कि कल सुबह 10 बजे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, तो उसे में भी लाइव बने रहिएगा और ज्यादा कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए। 25 सितंबर को ही शाम को 6 बजे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सक्सेस स्टोरी होगी, उसमें जो हमारी स्टूडेंट रही हैं डॉक्टर डिंपल कुल्हाड़ी, जिनका अभी RPSC में सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपसे साझा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की, कैसे उन्होंने अपने वीक पोर्शन पे फोकस डाला, कैसे उन्होंने अपने स्ट्रांग पोर्शन पे फोकस डाला, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में उन्होंने क्या क्या तैयारियां की, ठीक, एग्जाम को देने के पहले उनकी कैसी तैयारी थी, ठीक है। ये सब उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे 25 सितंबर को शाम को 6 बजे, तो उसमें भी लाइव जुड़िएगा। 28 सितंबर को ऐप पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 28 सितंबर को ऐप पर, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक, एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को इवेल्युएट करने का अपने आप को मौका दे रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। ऐप पर 28 सितंबर को जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, कितने बजे, 3 बजे, टाइम अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ऐप पर 3 बजे ये सेशन रहेगा, ठीक है। और एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आप सब लोगों को पता है 9241333666 पर कॉल कर लीजिएगा या 9650052904 पर कॉल कर लीजिए। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, जल्दी से जरा सेशन को शेयर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूनिट 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोगों को अभी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिचुअल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर ये समझा दीजिए कि राइट्स ऑफ पैसेज, राइट्स ऑफ एप्लीकेशन, कैलेंडर राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। राइट्स ऑफ पैसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो वेंडी जेनेप ने दिया है, याद रखिएगा। ये ऐसे रिचुअल्स होते हैं, राइट्स ऑफ पैसेज यानी पारित होने के संस्कार, ये ऐसे संस्कार होते हैं जो आपको लाइफ के वन स्टेज से, लाइफ के एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस की ओर ले जाते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये ट्रांजिशन करते हैं आपका फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। यानी जैसे कि आप बैचलर हैं, आप कुंवारे हैं, आपको मैरिड बना देता है, मैरिज एक ऐसा राइट्स ऑफ पैसेज होता है, उसके जरिए आप अपने लाइफ के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं।
ठीक है, एक परिस्थिति से दूसरे इस परिस्थिति में ये आपको पहुंचा देता है। ये एक इस तरह की अनुष्ठानिक घटना होती है जिसे हम राइट्स ऑफ पैसेज कहते हैं वेंडी जनप की लैंग्वेज में, ठीक है। और जैसे कई बार देखिएगा आपकी जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण जाति में पैदा होते हैं, उनका उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद वो ब्राह्मण बनते हैं, यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पास होते हैं। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? अर्नोल्ड वेंडी जेनप ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिएगा, अर्नोल्ड वेंडी जेनप का ये कॉन्सेप्ट है। मैं नहीं समझता कि अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा। तो ये बताते हैं कि ये थ्री स्टेजेस जो होती है मेनली, सबसे पहला स्टेज होता है सेपरेट करते हैं आप अपने आप को कुछ चीजों से, यानी जो आप सीख लेते हैं बचपन में उसको आप भूलते हैं, ओल्ड चीजों को आप भूलते हैं। जैसे आप विद्यार्थी होते हैं तो आप जीवन भर जो है स्कूल में बैग लेकर के, मतलब जैसे आप कॉलेज में बैग लेकर के जाते हैं, शादी के बाद आप उसी तरह से अपने बैग में बुक्स वगैरह भर करके नहीं लेकर के जाते हैं। फिर आप क्या चेंज क्या आता है, अपने इस ओल्ड प्रैक्टिस को चेंज करते हैं और आप क्या लेकर के जाते हैं, उसमें टिफिन बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें वाटर बॉटल होती है और उसमें ऑफिस की आपके फाइल्स होती है जहां पर आप काम करते हैं। तो ये क्या होता है, ये सेपरेशन, राइट्स ऑफ पैसेज जो है तीन स्टेज से बना हुआ है वो कहलाता है सेपरेशन। अब जैसे देखिए कई बार क्या होता है, एक ट्रांजिशन फेज से इंसान गुजरता है जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, तो याद रखिएगा राइट्स ऑफ पैसेज के अंदर ही अर्नोल्ड वेन डी जेनप ने तीन स्टेजेस बताई हैं, उन स्टेज की बात हो रही है। ये जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, ये बिटविक्स्ट और बिटवीन के बीच में होता है, वेक्टर टर्नर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये बीच का स्टेज होता है, ठीक है, ये बीच का स्टेज होता है, ये मध्यम क्षेत्र होता है जिसमें आप, जैसे मान लीजिए आपने एमए कर लिया, अब आपकी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन अब आप सोचते हैं कि यार अब ट्रांजिशन में फंसे रहते हैं कि यार मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन आपका कोई स्टेटस नहीं होता है उस बीच में, ना ही आप अपने आप को उसमें, आप एक फ्रस्ट्रेशन का दौर चलता है, एक स्ट्रेस का दौर चलता है, आप स्टूडेंट नहीं कहलाना चाहते हैं और आपके पास कोई रोजगार भी नहीं है, तो वो जो ट्रांजिशन फेज आता है ये लिमिनैलिटी की स्टेज कहलाती है, स्टेज ऑफ लिमिनैलिटी, यानी कंफ्यूजन, एक अस्पष्टता बना रहता है आपके स्टेटस में, ठीक है। आप एक मध्यम ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे होते हैं, ये विक्टर टर्नर ने समझाया है, ठीक है। सेकेंड स्टेज जो था इसमें ट्रांजिशन का स्टेज होता है, संक्रमण का स्टेज होता है, इसे हम स्टेज ऑफ एंट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, स्टेज ऑफ लिमिनैलिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे सीमांतता का चरण या इसे एंटी स्ट्रक्चर का चरण भी कहा जाता है, ठीक। थर्ड स्टेज जो राइट्स ऑफ पैसेज में आता है वो है इनकॉर्पोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, निगमन, निगमन, ठीक, वेयर इन दिस स्टेज इनिशिएट्स आर सिंबॉलिकली कंफर्म्ड इन देयर न्यू आइडेंटिटी। ये न्यू आइडेंटिटी की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं, जैसे आप विद्यार्थी जीवन से ये आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, मैरिज में आप प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, आप पूरी तरह से एक नई आइडेंटिटी में आ जाते हैं, एक आपकी नई पहचान बन जाती है, आप अनमैरिड से मैरिड में आ जाते हैं, मैरिड आपके लिए एक नई पहचान होती है। तो समझ गया ना, राइट्स ऑफ पैसेज तीन स्टेजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक, सेपरेशन, ट्रांजिशन और न्यू स्टेज इनकॉर्पोरेशन, सेपरेशन, ट्रांजिशन और इनकॉर्पोरेशन। अब ये सवाल पूछ सकता है कि राइट्स ऑफ पैसेज में से कौन सा डिस्कस नहीं किया है अर्नोल्ड वेन डी जेनप ने अपने स्टेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है राइट ऑफ एफ्लिक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे थे, इसे हम कष्ट के संस्कार या यातना के संस्कार कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग इंडिया में रहते हैं मोस्टली, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी जो मिथिकल स्टोरीज होती हैं कि आपके ऊपर अगर कोई कष्ट है, देखा होगा कुछ समय आपके लाइफ में ना ऐसा आ जाता है जिसमें आप कुछ भी करते हैं गलत हो रहा होता है, ठीक है, कुछ भी करते हैं गलत हो रहा, मतलब हवन करने गए और हाथ जल जाता है, तो आपको लगने लगता है कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जो आउटकम मिलना चाहिए मेरे मेहनत के हिसाब से वो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली देखते हैं, बोलते हैं कि भैया आपके तो कुंडली में 7.5 चल रही है, 7.5। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूं कि शनि देवता से जुड़ा हुआ होता है ये 7.5 शनि। देखिए मैं इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपको
उदाहरण के लिए ये सब चीजें समझा रहा हूं, मैं कभी आज तक किसी पंडित के पास नहीं गया और मैं आप लोगों को भी राय नहीं देता हूं, ठीक है, कि आप किसी पंडित जी के पास जाएं और ये सब जो है कर्म कांड करें, ठीक, बल्कि मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मेहनत ही सर्वोपरि है और मेहनत ही करना चाहिए, ठीक है। तो आप शनि, वो क्या कहते हैं कि भैया ये शनि देवता का प्रकोप है और आपके 7:30 चल रही है, तो आप क्या करिए, हर शनिवार को जाकर के शनि देवता के मंदिर में दिया जलाइए और जो तेल मांगने के लिए जो बंदा आता है शनिवार को, उसे तेल दान दीजिए। यानी क्या होता है कि हमारे यहां हर चीज के लिए देवता बने हुए हैं, यानी जो आपने पुराने कर्म किए हैं वो आपके लिए बैड लक लाता है, उस बैड लक को कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कुछ इस तरह के उद्यापन बताते हैं, कुछ इस तरह के मैजिक बताते हैं जो आपके इन मिसफॉर्च्यून को दूर करने का काम करते हैं। उस वो जो स्टेज होती है उसे क्या कहते हैं, राइट्स ऑफ एफ्लिक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जो आपको चीजें दुख देती हैं उनसे संबंधित, जो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आती हैं, बीमारी लेकर के आती हैं, रोग संबंधित परेशानियां लेकर आती हैं, तो जो दुर्भाग्य से पीड़ित लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सही करने के लिए आप पंडित के पास जाते हैं, उसे यातना का संस्कार कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन था, उन तरह के संस्कारों को हम लोग क्या कहते हैं, यातना के संस्कार कहते हैं। कैलेंड्रिकल और कमेमोरेटिव राइट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। कैलेंड्रिकल राइट्स यानी ऐसे संस्कार होते हैं जिन्हें हम कैलेंडर को देख करके करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पूर्ण चंद्रमा, कई लोग क्या करते हैं, पूर्ण चंद्रमा के दिन कुछ विशेष कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं, जो कैलेंडरिक रिचुअल्स होते हैं, जो कैलेंडर को देख करके आप जो अनुष्ठान करते हैं, निश्चित अवधि के बाद हर साल या 100 साल में आपने देखा होगा कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये जो समय है ना, ये 100 साल में एक बार आता है, तो ये जो फिक्स्ड पीरियड में आने वाले जो संस्कार होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कैलेंड्रिकल या कमेमोरेटिव राइट्स कहते हैं। अब बहुत सारे राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ सेक्रीफाइस होता है, राइट ऑफ एक्सचेंज होता है, राइट ऑफ कम्युनियन होता है, बलिदान विनिमय और भोज के संस्कार होते हैं, जिसमें एडवर्ड बी टेलर जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। वो कहते हैं कि सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं, आपने देखा होगा कई सारे घरों में, जैसे कि आप वो बोलते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूं, अगर मुझे GRF हो जाता है तो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या मैं 11 नारियल अर्पित करूंगा। ये सब क्या होता है, ये सब सेक्रीफाइसेस होते हैं। और एडवर्ड टेलर जो है राइट्स ऑफ सेक्रीफाइस या राइट ऑफ एक्सचेंज या राइट ऑफ कम्युनियन यानी कि बलिदान विनिमय और भोज के संस्कार को क्या कहते हैं कि आर गिफ्ट्स गिवन इन होप ऑफ सम रिटर्न्स। ये कहते हैं ये ऐसे बलिदान, ऐसे उपहार होते हैं जो कि वापसी, कुछ वापस लेने की आशा में हम लोग देते हैं भगवान को, देवी देवताओं को, पंडितों को, या कुछ भी ऐसे संस्कार करते हैं जिससे कि हमें होप होती है, हमें उम्मीद होती है कि हमें कुछ वापस मिलेगा। ये किसने दिया था, एडवर्ड बी टेलर ने दिया था। कैथरीन बेल क्या कहती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। सेक्रीफिशियल जो राइट्स होते हैं उनके बारे में कैथरीन बेल क्या कहते हैं, कैथरीन बीन बेल पॉइंट्स आउट दैट सेक्रीफाइस कवर्स अ रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस फ्रॉम दोज दैट आर मैनिपुलेटिव एंड मैजिकल। बहुत सारे प्रैक्टिसेस कवर करते हैं ये सेक्रीफाइशियल राइट्स, कैसे कि मैनिपुलेशंस और मैजिकल बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं ये किए जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हिंदू पूजा, यज्ञ, हवन, ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। ये किसने दिया है, कैथरीन बेल ने ये समझाया है, ठीक है। बलिदान उन प्रथाओं की एक श्रृंखला होती है ये कहती है, जिसमें कि जोड़ तोड़ और जादुई चीजें की जाती हैं, ठीक। ऐसे को कैथरीन बेल कहती है सेक्रीफाइशियल राइट्स। अब बहुत सारे राइट्स ऑफ फीस्टिंग होते हैं, राइट्स ऑफ फेस्टिंग होते हैं, राइट्स ऑफ फेस्टिवल होते हैं, दावत, उपवास और त्योहारों के संस्कार होते हैं। आपने देखा होगा कि जागरण, जागरण इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जागरण, ठीक है। जागरण में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, गाना बजाना करते हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो एक तरह से क्या होता है, वो एक तरह से सोशल ड्रामा होता है, और विक्टर टर्नर ने इन सारी फेस्टिविटीज को सोशल ड्रामा का नाम दिया है, कल्चरल परफॉर्मेंस का नाम दिया है। विक्टर टर्नर सामाजिक नाटक बताते हैं, ये सांस्कृतिक प्रदर्शन बताते हैं। ये आपने देखा होगा
कई बार भक्ति गीत चलता रहता है, जागरण चलता रहता है, कुछ कुछ औरतें आके ऐसे ऐसे करने लग जाती हैं। हाँ बोल, क्या मांगता है, पता है, समझ गए। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ये राइट्स ऑफ फीस्टिंग, फास्टिंग और फेस्टिवल कहा जाता है, जिसमें रात में जाग करके इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाती है। विक्टर टर्नर इसे सोशल ड्रामा का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्सेलम मॉस इन राइट्स के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं सेक्रीफाइस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ ऑफरिंग। इन्होंने सेक्रीफाइस और अदर फॉर्म ऑफ ऑफरिंग के बीच में डिफरेंशिएशन दिया है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सेक्रीफाइस किस लिए होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफरिंग इज यूजुअली डिस्ट्रॉयड इन द रिचुअल टू ट्रांसफर इट्स इट टू डेटीज। अपने डेटीज को, देवी देवताओं को खुश करने के लिए जिन चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, डैमेज किया जाता है, उसको ये क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस कहते हैं, उसे ये क्या कहते हैं, त्याग कहते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस, बलिदान कहते हैं। यानी आप कुछ चीजों को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं अपने देवी देवताओं के नाम पे। मार्सेल एमॉस उन राइट्स को क्या कहते हैं, सेक्रीफिशियल राइट्स कहते हैं। पॉलिटिकल राइट्स जो है वो क्या, किस लिए किया जाता है, टू कंस्ट्रक्ट पावर, एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग फॉर पावर। क्लिफोर्ड गिल्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक रिचुअल है, पॉलिटिकल रिचुअल, एक राजनीतिक अनुष्ठान है। वहां पे क्या होता है कि जो जिस भी व्यक्ति को अपनी सत्ता स्थापित करनी होती है, अपने शक्ति का निर्माण करना होता है, वो बहुत बड़ी रैलीज करते हैं। जैसे कि इमरान खान अभी कर रहे हैं वो रैली। इमरान खान के पहले जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री है, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने किया था इमरान खान को हटाने के लिए। फिर इमरान खान हट गए, अब फिर से इमरान खान उसी अनुष्ठान को कर रहे हैं ताकि उनका जो पॉलिटिकल जो पावर है वो उस देश में एस्टेब्लिश हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के पॉलिटिकल रिचुअल्स होते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स में ये बहुत ज्यादा होते हैं। पारंपरिक आधार पर धनुर्धारी विद्या या गदा युद्ध, इस तरह के जो युद्ध किए जाते थे पॉलिटिकल राइट्स को, पॉलिटिकल रिचुअल्स को एस्टेब्लिश करना, अपनी शक्ति को एस्टेब्लिश करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, क्लिफोर्ड गिल्स पॉलिटिकल रिचुअल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हमारा टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो। व्हाट आर साइंस, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमेशा से सवाल आते हैं वो है साइन एंड सिंबल्स। दोनों ही एक ऐसी चीजें हैं, साइन और सिंबल्स, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा ये जो साइन होता है इसको देख करके बहुत सारे लोग जो है हाथ जोड़ लेते हैं, विशेष धर्म के लोग ऐसे करके हाथ जोड़ लेते हैं, होता है ये, एक तरह का सिंबल है, ये एक तरह का साइन है। क्यों हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक अवधारणा को अपने आप में लिए हुए होता है, एक कॉन्सेप्ट को अपने आप में लिए हुए होता है। इट इज अ व्हीकल फॉर कैरिंग सम कॉन्सेप्ट। किसने कहा था जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, आप लोगों का आंसर देख रहा हूं। किसने भी कहा था कि इट इज अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसी गाड़ी के समान होता है सिंबल, जो एक अवधारणा को कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। तो इसे ग्रीक वर्ड सिंबोलॉन से लिया गया है। सिंबोलॉन का मतलब होता है टोकन और साइन। तो प्रतीक शब्द जो है वो सिंबोलॉन से, सिंबल जो है वो सिंबोलॉन से बना हुआ है। किसी का भी आंसर अभी तक मुझे नहीं नजर आ रहा है, क्या बात है, ठीक, सिंबोलॉन से बना हुआ है, ठीक। सिंबोलॉन का मतलब होता था टोकन और संकेत। रेडक्लिफ ब्राउन सिंबल्स के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं एवरीथिंग दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड एज अ सिंबल। बिल्कुल सही निभा, बिल्कुल सही कमल, बिल्कुल सही भविष्य, बिल्कुल सही सुधा, बिल्कुल सही रामशंकर, आप लोगों को सबको पता है, बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच आंसर करने के लिए। क्लिफोर्ड गिर्ज ने कहा था कि एक गाड़ी के समान होता है सिंबल, जो कि अवधारणाओं को कैरी करता है अपने आप में। रेड क्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं कि सभी चीजें जिसका कुछ एक अर्थ होता है वो प्रतीक बन जाती हैं, वो सारी चीजें जिनका कुछ अर्थ होता है इस दुनिया में उसको ये सिंबल कहते हैं, उसको ये प्रतीक कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि क्रॉस, क्रॉस क्रिश्चियनिटी रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल माना जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोग जनरली क्या करते हैं, गले में जो है लॉकेट पहनते हैं और वो उनके रिलीजन को दर्शाता है, ठीक। साइन एंड सिंबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए बहुत सारी चीजें हैं,
मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि साइन एंड सिंबल की स्टडी को जो है सेमियोटिक्स कहा जाता है, उसे संकेतिकता कहा जाता है। यहां पर हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रिविजन की क्लास है। स्टूडेंट देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये पिक्चर बना हुआ है, यहां पर ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है, यानी ये क्या करते हैं साइन एंड सिंबल आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको सचेत कर रहे होते हैं किसी चीज से रिलेटेड, उन्हें भी हम जो है सिंबल और साइन कहते हैं। इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इनकी स्टडी को सेमियोटिक्स कहा जाता है। सबसे पहले थिंकर कौन थे जिन्होंने सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था साइन एंड सिंबल की स्टडी को, वो थे फर्डिनेंडी सस्योर। फर्डिनेंडी सस्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले थिंकर थे, स्विस फ्रांसीसी थिंकर हैं ये, ठीक है, फ्रांसीसी थिंकर हैं, और सबसे पहली बार इन्होंने सेमियोटिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था सोशियोलॉजी में। इनके अगेंस्ट जो थ्योरी देने वाले थे वो थे चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स, याद रखिएगा इनका भी नाम चार्ल्स सॉन्डर पियर्स, ये सेकंड व्यक्ति थे जिन्होंने इनके अगेंस्ट एक थ्योरी प्रस्तुत की थी सेमियोटिक्स की। तो फर्डिनेंडी सस्योर ने जब साइन एंड सिंबल की स्टडी की तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी स्टडी को नाम दिया सेमियोलॉजी, यानी कि संकेत विज्ञान। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। इन्होंने बताया किसी भी सिंबल के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक को कहा जाता है सिग्निफायर, दूसरे को कहा जाता है सिग्निफाइड। सिग्निफाइड जो होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एक को कहा जाता है संकेतक, दूसरे को कहा जाता है संकेतित। इसी से मिल करके क्या बनता है, इसी से मिल करके बनता है पूरा सेमियोलॉजी जो फर्डिनेंडी सस्योर ने दिया था। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये कैट लिखा हुआ है। जो कैट जो ये सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है, ये सिग्निफायर कहलाता है, ये याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से। जो वास्तविक में, जो रियल में मेरे पीछे छिप गई है वो पिक्चर, ठीक है, कैट की पिक्चर है, जो वास्तव में एक कैट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफाइड कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रख लीजिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंबल है इसे सिग्निफायर कहा है फर्डिनेंडी सस्योर ने, और जो रियल में जो कैट होती है, जो वास्तविकता में जो बिल्ली होती है जो चल रही होती है, उसे क्या कहा जाता है, सिग्निफाइड कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है और इस बार ये सवाल पूछेगा ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। चार्ल्स एस पियर्स ने भी साइन एंड सिंबल पे स्टडी किया है और इन्होंने अपनी स्टडी को, चार्ल्स एस पियर्स, ठीक है, चार्ल्स एस पियर्स यानी कि चार्ल्स सॉन्डर पियर्स, चार्ल्स सॉन्डर पियर्स जो है वो अपने स्टडी को, जिस तरह से उन्होंने अपने स्टडी को नाम दिया था सेमियोलॉजी, इन्होंने अपने स्टडी को सेमियोटिक्स नाम दिया है, संकेतिकता नाम दिया है, याद रखिएगा। क्रिस्टेवा आती है, क्रिस्टेवा ने अपने साइन एंड सिंबल की स्टडी को सेम एनालिसिस दिया है, क्रिस्टेवा ने अपने साइन एंड स्टडी के शब्द को जो है सेम एनालिसिस शब्द से जो है डिफाइन किया है। उम्बर्टो इको, उम्बर्टो इको ने भी अपनी किताब लिखी है थ्योरी ऑफ सेमियोटिक्स, ये नाम याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो आइकॉन्स होते हैं ना वो मिरर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, यानी अगर इनकी बात माने तो कैट में कहीं ना कहीं हमें रियल की एक बिल्ली नजर आती है, अगर आप इससे ऐसे बनाना चाहें तो एक कैट जो है वो बन सकती है, इनका कहने का मतलब है। इस तरह से कुछ एक शेप बन जाएगा कैट का, ठीक है, और वो कैट से इस तरह से वो बिल्ली बना देते हैं और वो बताते हैं कि ये जो बिल्लियां है ना, या कोई भी चीज जैसे ट्री है, तो उन्होंने बोला कि ये ट्री, ट्री इसलिए टी से स्टार्ट होता है क्योंकि अपन टी से ट्री बना सकते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये जो वस्तुओं, वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है ये संकेत, बात समझ में आई, ये उम्बर्टो इको ने कहा था अपनी किताब में, ठीक। इन्होंने भी डिस्टिंग्विश किया है, दो चीजें बताई हैं इको ने, एक होता है सिग्निफिकेशन और दूसरा होता है कम्युनिकेशन, ठीक, संकेतन और संचार। इन्होंने कहा कि हमें संचार की जरूरत थी, इस वजह से हमने क्या किया कि सिग्निफिकेशन किया, यानी टी फॉर ट्री, ए फॉर एप्पल, ठीक। ये कहते हैं कि हम ये जो साइन बनाते हैं ये मिरर होते हैं उन रियल ऑब्जेक्ट्स के, याद रखिएगा मिरर की बात इन्होंने ही किया है। टर्नर क्या कहते हैं, टर्नर कहते हैं कि कोई भी साइन हमें एक्शन करने के लिए मजबूर करता है,
ठीक है, एक्शन फील्ड में एक्शन करने के लिए सिंबल इज ऑलवेज इनिशिएट्स सम काइंड ऑफ एक्शन, कौन कहते हैं? टर्नर कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉरल इकोनॉमी, ठीक है, मॉरल इकोनॉमी, नैतिक अर्थव्यवस्था। मॉरल इकोनॉमी किस चीज से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है नैतिक अर्थव्यवस्था। जब भी मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जब भी मॉरल और वेलफेयर की जो है बात आती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण जो है वो मॉरल इकोनॉमी का एक बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अर्थव्यवस्था, ये शब्द अगर आप याद रखेंगे, कभी भी मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। यानी मॉरल इकोनॉमी किससे संबंधित है? गुडनेस से संबंधित है, फेयरनेस से संबंधित है, और जस्टिस से संबंधित है, अच्छाई से संबंधित है, निष्पक्षता से संबंधित है, न्याय से संबंधित है। यानी यह अर्थव्यवस्था एक अच्छी अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था मानी जाती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मॉरल इकोनॉमी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। मैं कम से कम एक एक रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट चाहता हूं, जबकि हम एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने इलेबोरेट किया है? ईपी थॉमसन ने इलेबोरेट किया है मॉरल इकोनॉमी। मॉरल इकोनॉमी से कौन संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ईपी थॉमसन संबंधित है। इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, में इन्होंने जो है मॉरल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट समझाया था। द इकोनॉमिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रख लीजिए। ईपी थॉमसन, कोई नहीं पढ़ाने वाला है आप लोगों को इतने सिंपल तरीके से, ठीक है। इसमें इन्होंने मॉरल इकोनॉमी जो है एक्सप्लेन किया था। ये कहते हैं मॉरल इकोनॉमी क्या होता है? जस्टिस से संबंधित होता है, न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित होता है, ठीक। अब आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन जो है मेनली चार पांच तरह की होती है, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एडुसेरे या एडुकेयर, ठीक है। लैटिन शब्द एडुकेयर जो है उसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट या टू ब्रिंग फोर्थ, ठीक है। औपचारिक, अनौपचारिक, मूल्य शिक्षा, निर शिक्षा जो है वो इतने तरह की शिक्षा होती है। एजुकेशन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स्ड सिलेबस होता है, आप रोज सुबह से शाम तक स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाकर के एक प्लान्ड तरीके से जब आप जो है क्लास करते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी सिलेबस को नहीं कैरी करते हैं, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखते हैं उसे हमें इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? यह एक ऑल्टरनेटिव तरीका था, इसे हम निरऔपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये जो ओपन स्कूलिंग आप करते हो ना स्टूडेंट्स, ओपन स्कूलिंग इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप पूरा वही सिलेबस कर रहे होते हैं जो आप फॉर्मल एजुकेशन में कर रहे होते हैं, बस फर्क क्या होता है, यहां पर फर्क ये होता है कि आप स्कूल नहीं जा रहे होते हैं, केवल एग्जाम देने के लिए स्कूल जा रहे होते हैं, किसी भी कारण से आप रेगुलरली स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, इसके पहले कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मुझे एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, जल्दी से कर लीजिए। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? जो आपके अंदर वैल्यूज डालते हैं, मौलिक शिक्षा उसको कहा जाता है। मौलिक शिक्षा आपको मौलिक चीजें, जीवन की मूलभूत जो चीजें होती हैं, जैसे कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो चीजें होती हैं वो आपके अंदर वैल्यू एजुकेशन डालती है। वैल्यू एजुकेशन आपको वर्कोहोलिक बनाती है। आज जैसे आपको लगने लगता है एक एज के बाद कि यार हमें कुछ ना कुछ नौकरी करना चाहिए, इस तरह के गुण आपके अंदर आपकी वैल्यू एजुकेशन डालती है। कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म एक तरह की आइडियोलॉजी होती है जहां पे दो ऐसे समुदाय रहते हैं जो एक दूसरे के विरोध में होते हैं, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ठीक। तो इन सबके कल्चर एक दूसरे से अलग हैं और बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनके कल्चर एक दूसरे के विपरीत हैं। जिन सोसाइटी में इस तरह के लोग पाए जाते हैं वहां पे कम्युनलिज्म का होना एक मतलब कि जरूरी, मतलब जरूरी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वहां पे कम्युनलिज्म पनप सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भारत में जो है इसके फादर कौन कहे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सांप्रदायिकता के फादर कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड मिंटो। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के आने के पहले तक हमारे यहाँ सांप्रदायिकता नहीं होती थी, हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के नाम पे दंगे नहीं हुआ करते थे। डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी की तरह तरफ इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट्स लेकर के आए। लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचक निर्वाचिका लेकर के आए जिसमें यह माना जाता था कि जो जिस क्षेत्र में मेजोरिटी जनता अगर हिंदू है तो वहां पर हिंदू वोट करेगा, जहां पर मुस्लिम है तो वहां पर केवल मुस्लिम ही को ही वोट करने का अधिकार होगा। ऐसी चीजों को लॉर्ड मिंटो भारत में लेकर के आए और इन्होंने इस तरह की चीजों को लागू किया जिससे कि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा, हेट्रेड फीलिंग ने जन्म लिया और इससे कहा जाता है कि कम्युनलिज्म जो है भारत के अंदर स्थापित होने लगा और जो आज हम सांप्रदायिक दंगे देखते हैं वो उसी का एक रूप है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेकुलरिज्म, यूनिट 10 का धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या होता है? टीएन मदान जो है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये कहते हैं कि एक धर्म निरपेक्ष समाज जो है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी स्टेट को सेपरेट होना चाहिए रिलीजन से, ठीक। मदान टिप्पणी करते हैं कि धर्म को राज्य से जब आप अलग कर देते हैं तो आपका स्टेट सेकुलर हो जाता है। जब आप इक्वल और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट करते हैं टू ऑल कम्युनिटीज, ठीक है, जब आपका राज्य जो होता है वो इक्वल और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट करता है हर एक समुदाय के साथ, राज्य जब सभी समुदाय के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करता है तो वो सेकुलरिज्म कहलाता है। ये टीएन मदान कहते हैं। अप्रोचिंग रिलीजियस बिलीफ विद द स्पिरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी, जब आप किसी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए वास्तुनिष्ठ तार्किकता से धार्मिक मान्यताओं को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप धर्म निरपेक्ष कहलाते हैं, आप सेकुलरिज्म कहलाते हैं। ये हमें किसने बताया? टीएन मदान ने बताया और टीएन मदान की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे थिंकर्स में आप लोगों को क्लासेस में डिस्कस करता हूं लेकिन अभी समय नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ हमें रिविजन करना है। जेंडर और बॉडी और कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, टॉपिक है, हर बार इससे सवाल आता है। आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये फेमिनिज्म से सवाल आया है, हालांकि मैंने फेमिनिज्म भी आप लोगों को पढ़ाया है। अगर फेमिनिज्म नहीं करा है ना एग्जाम के पहले एक बार जरूर करके जाना, मेरा एक वीडियो है फुल फेमिनिज्म, मैंने आप लोगों को उसमें करा दिया है। फेमिनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा ना एग्जाम में आप बिल्कुल वहां पर देखिए, फेमिनिस्ट डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म बाय मनोज सर, YouTube पे सर्च कीजिए आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको एक बार देख जरूर से लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको नोट कर लीजिएगा, थिंकर्स जरूर से पढ़ के जाइएगा। एन्ना ओकले किस तरह से डिफाइन करती हैं, ये कहते हैं कि जेंडर क्या है, जेंडर इज अ मैटर ऑफ कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर इज अ मैटर ऑफ कल्चर। लिंग क्या है, संस्कृति का विषय है। किसने कहा था? एन्ना ओकले ने कहा था, ठीक है। ये सोसाइटी को मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में विभाजित करता है। किसने कहा था? एन्ना ओकले ने कहा था। मर्दाना और स्त्रीत्व में समाज का वर्गीकरण को एन्ना ओकले जेंडर कहती है। जेंडर जो है समाज को दो भाग में डिवाइड कर देता है, ठीक है, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में एन्ना ओकले कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जे मिशेल क्या कहती है? जे मिशेल कहती है कि जेंडर जो है सबसे पहली बार हमारे समाज में 1970 के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें क्या होता है, जिसमें सोशल एट्रीब्यूट्स जो है, यानी जो सामाजिक विशेषताएं जो है वो बायोलॉजिकल आधार पे जो है सेक्स के आधार पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सामाजिक विशेषताएं, ठीक, बायोलॉजिकल जैविक आधार पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये जे मिशेल ने बताया था। साइमन डी बिवियर कहते हैं
कि वन इज नॉट बॉर्न एज अ विमेन बट रेदर बिकम्स अ विमेन, एक महिला जन्म से महिला नहीं होती है, उसे महिला समाजीकरण के दौरान बनाया जाता है, यानी सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ विमेन अ विमेन। ठीक है, याद रखिएगा, कोई महिला पैदा नहीं होती है जन्म से, जन्म से महिला नहीं होती है, बल्कि एक महिला बनाया जाता है जब समाजीकरण आपका किया जाता है, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, ये कहते हैं कि मेल जो है वो हमेशा से सुपीरियर बने हुए हैं, मेल हम मैन जो है वो पुरुष जो है वो हमेशा से सुपीरियर बने हुए हैं, क्योंकि वो ब्रेड विनर है, क्योंकि उनका इकोनॉमी पे कंट्रोल होता है, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल होता है, साइमन डी बिवियर कहते हैं। ये स्थापित किया गया है ये समाज इस तरह से। लीला दुबे ने गोंड सोसाइटी की स्टडी की है और वहां पे जो गोंड सोसाइटी में जो महिलाएं रहती थी उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इन्होंने गोंड सोसाइटी का अध्ययन किया था छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गोंड की, गोंड के महिलाओं के प्रॉब्लम, जुड़ी हुई प्रॉब्लम को समझने का किसने अध्ययन किया था? छत्तीसगढ़ की सोसाइटी का लीला दुबे ने अध्ययन किया था। टेलकट पर्सन, टेलकट पर्सन बताते हैं कि जो ये मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सोसाइटी को इंटीग्रेट करके रखता है, सोसाइटी में इक्विलिब्रियम बनाता है, सोसाइटी में ये शेयर्ड कंसेंसस पर आधारित है। स्टूडेंट जल्दी से शेयर कर दीजिए, हम बहुत जल्दी बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहे हैं एमसीक्यूज की तरफ। घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि घराना क्या होते हैं। तो घराना जो है वो हमारे यहाँ गुरुकुल के स्टाइल माने जाते थे, गुरुकुल की शैली मानी जाती थी, यानी हर एक घराना की शैली अलग अलग होती है। ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है? आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह से याद कराया था, हस्सू खां, हद्दू खां और नथू खां। हस्सू, हद्दू, नथू क्या है? ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। ग्वालियर के हद्दू और नथू ने हंस हंस कर हद कर दी। ठीक है, याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, एक्सपोनेंट्स जो है वो आप देख लीजिएगा एक बार। आगरा घराने के संस्थापक कौन है? आगरा घराने के, क्योंकि पागल लोग मार मार के दूसरों को सुझा दिया करते हैं और पागल लोग चिल्ला चिल्ला के उनके गले जो हैं वो खराब हो जाते हैं, तो सूजा खां और घग्गे खां। ठीक है, घग्गे खां, ये ग्वालियर घराने के। ग्वालियर में ऐसा माना जाता है कि पागल खाना है, तो पागल लोग क्या करते हैं, मार मार के लोगों को जबरदस्ती सुझा दिया करते हैं और चिल्ला चिल्ला के अपना गला जो है घग्गे खां। ठीक है, घग्गे खुदा बख्श। तो याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक स्टेटमेंट बता रहा हूं ताकि आप याद रख सकें, इनके संस्थापक है सुजा खां और घग्गे खां। ठीक है, तो वहां पागल होते हैं, पागल मार मार के सुजा देते हैं और उनका गला जो है चिल्ला चिल्ला के खराब हो जाता है, तो घग्गे खां, घग्गे मतलब गला होता है। किराना, किराना घराना, किराना ढां के संस्थापक किराना करीम, किराना करीम, किराना जो है करीम भैया बेचते हैं। ठीक है, और अब्दुल वाहिद खान भैया जो है वो किराना की दुकान लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेना, किराना घराना याद हो जाएगा, संस्थापक कौन है, करीम खान साहब और वाहिद खान साहब, इन दोनों की किराने की दुकान हुआ करती थी। जयपुर अतरौली घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर अतरौली घराना, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है अल्लादिया खान। जयपुर अतरौली घराना अल्लादिया खान ने दिया है। पटियाला घराना, पटियाला घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली घराने से निकल करके बना हुआ है। पटियाला घराना उस्ताद फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श दो लोगों ने मिलकर के बनाया था, ये उसके संस्थापक हैं फतेह अली खां। पटियाला का फतेह अली बख्श ने किया है। ठीक है, पटियाला का फतेह अली बख्श। और दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तनरस खान है। ठीक है, तनरस खान दिल्ली घराने के संस्थापक हैं, तनरस खान और मम्मन खान। दिल्ली जो है दिल वालों की है और मक्खन लगा करके लोग वहां पर पराठा खाते हैं, बहुत ज्यादा मैंने देखा है, बहुत सारे पराठे। आप दिल्ली की गलियों में चले जाइए, दिल्ली में पराठे वाली गली है और मम्मन से होता है मक्खन। ठीक है, तो दिल्ली मक्खन यानी मम्मन और तनरस, लोग रस ले लेकर के उस पराठे को खाते हैं। ऐसे याद किया करो, याद रहेगा जीवन भर। भिंडी, भिंडी जो है मम्मी अक्सर धूप में छत पर बैठ करके काटा करती हैं, तो उस्ताद छज्जू खान जो हैं उन्होंने भिंडी घराना जो है वो दिया था। मजा आया, घराने याद हो गए। बनारस, बनारस में तो आप लोग जानते ही हैं ठुमरी हुआ करता है, इसे ठुमरी और ख्याल गायकी के नाम से भी
जाना जाता है, बनारस में पंडितों का शहर माना जाता है बनारस। बनारस आप जाएंगे तो वहां पे आपके पंडित, बनारस में जैसे ही आप उतरते हैं ना सीढ़ियों से गंगा नदी के किनारे, पंडित जो है आपको आसपास पूरी तरह से घेर लेते हैं। और ज्यादातर पंडितों का नाम क्या होता है, पंडित गोपाल मिश्रा। हर दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मैं पंडित गोपाल मिश्रा हूं, ठीक है। उसे कहते हैं बनारस घराना के संस्थापक, याद रहेगा। स्पोर्ट्स एंड कल्चर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स एंड कल्चर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, किनैंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। किनैंथ्रोपोमेट्री सबसे पहली बार ये शब्द बिल रॉस ने इसे प्रचलित करने का काम किया था 1972 में, और ओलंपिक में ये शब्द इस्तेमाल किया गया 1976 में, और फिर इस शब्द को रेगुलराइज कर दिया गया 1978 ओलंपिक में, ठीक है। बिल रॉस ने किनैंथ्रोपोमेट्री शब्द जो है उसको प्रचलित किया। किनैंथ्रोपोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा विषय है जो ये सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो एक विशेष स्पोर्ट्स के लिए ही बने हुए होते हैं। ठीक है, बिल रॉस ने दिया था। स्टूडेंट्स अगर अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को तो लाइक कर लो। सिस जेंडर कौन होते हैं? सिस जेंडर ऐसे जेंडर कहे जाते हैं, वो जेंडर कहे जाते हैं जो जन्म से ही एक जेंडर अपने जो जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है उनका, वही उनका जो है सोशल सेक्स भी रहता है, ठीक है। वो सिस जेंडर, तो सिस जेंडर यानी कि जैसे कि महिलाएं होती थी तो महिलाओं को क्या मनाही थी कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर महिलाएं बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगी तो उनके नाक में चोट लग जाएगी, उनकी नाक खराब हो सकती है, उनकी आंख खराब हो सकती है, उनके मुंह पे दाग धब्बे पड़ सकते हैं। और ये जो समय हुआ करता था, ये समय ऐसा हुआ करता था 1800 का, जिस समय ये माना जाता था कि महिलाओं की सुंदरता जो है चिकने चिकने चेहरों से देखी जाती थी, और महिलाएं जो हैं वो सुंदर दिखें इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। इस वजह से जो महिलाएं हैं उनको दूर रखा जाता था, जो सिस जेंडर महिलाएं होती थी 1800 तक दूर रखा जाता था, बैन किया जाता था। सबसे पहली बार 1850 में इन्हें जो है स्पोर्ट्स में और सॉफ्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की आजादी दी गई। बात समझ में आ गई। आर्थर डी गोबिनियू ने रेशियल आस्पेक्ट से स्टडी किया है स्पोर्ट्स को, और ये बताते हैं कि व्हाइट लोग जो होते हैं रेशियली सुपीरियर होते हैं, उनकी सुपीरियरिटी को इन्होंने स्थापित किया था। एलन गटमैन कहते हैं कि इरोटिक कॉन्सेप्ट जो होता है, कंपोनेंट जो होता है स्पोर्ट्स के अंदर, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। कामुक घटक, आपने देखा होगा कि जो महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं उन महिलाओं को एडवर्टीजमेंट में स्पोर्ट्स के लिया जाता है, और ज्यादातर स्पोर्ट्स में भी उन महिलाओं के ऊपर ऐसे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स होता है ना उसमें मिनी मिनी स्कर्ट पहन करके बैडमिंटन टेनिस जो खेलते हैं तो उसमें इरोटिक स्पोर्ट्स इरोटिक कंपोनेंट्स को नकार नहीं सकते, आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। ये एलन गुटमैन ने कहा था स्टूडेंट, याद रखिएगा। इरोटिक कंपोनेंट की स्टडी स्पोर्ट्स में एलन गुटमैन ने की है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो ज्वाइन कर लो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अब जल्दी से शेयर करके आ जाइए फटाफट से। तब तक आप लोगों को मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम टेबल नोट कर लीजिए। कल मैं आप लोगों को 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है, कल की क्लास में सुबह 10 बजे यूट्यूब पर ही। लेकिन 28 सितंबर को जो सेशन है वो ऐप पर होगा 3 बजे, तो ऐप पर आ जाइएगा सब लोग। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं ऐप पर स्टूडेंट्स, मजा आ जाता है। वहां पे आप लोग अपने को एग्जैक्टली इवेल्युएट कर पाते हो, वो यूट्यूब की तरह नहीं होता है कि सब लोग एक दूसरे का आंसर देख करके कर पाते हैं, ठीक है। वो ऐसे होता है कि आपको अपना एग्जैक्ट इवेल्युएशन पता चलता है। तो ऐप पर जरूर से आना है, ठीक है। सेशन को जल्दी से शेयर करके आओ जिससे कि स्टूडेंट की संख्या बढ़े और मैं एमसीक्यू कराऊं आप लोगों को फटाफट से जल्दी से। कम स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। सबसे पहला सवाल जो है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तैयार हो सब लोग? रेडी स्टडी गो। क्वेश्चन नंबर 1, सिगमंड फ्रूड रिफर्ड
इट एज लिटिल डेविल वेयर इन ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर लिव्स, इसे छोटा शैतान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जहां व्यक्तित्व संरचना के सभी नकारात्मक पहलू मौजूद होते हैं उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए फटाफट से। और हिंदी और इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट नहीं किया गया है, जब भी यूजीसी नेट ने यह सवाल पूछा है, फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक करिए, जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, जिसने शेयर नहीं किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी शेयर कर दीजिए। देखिए सेशन को आज बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, प्लीज जरा जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। यस, इसका सही आंसर जो है सबने दिया है वो है ईड, ईड कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ईड जो है उसे लिटिल डेविल की संज्ञा दी थी सिगमंड फ्रॉयड ने। क्वेश्चन नंबर टू, हु सेड कल्चरल कंप्राइज इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स गुड्स टेक्निकल प्रोसेसेस आइडियाज हैबिट्स एंड वैल्यूज, किसने कहा था कि संस्कृति में विरासत में मिली हुई कलाकृतियां सामान तकनीकी प्रक्रियाएं विचार आदतें और मूल्य शामिल होते हैं, बताइए जल्दी से कौन है वो जो कल्चर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। यस, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। जैसा कि देख पा रहा हूं मैं, सबका आंसर सही है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज बी मेलिनोस्की। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज व्यू मॉडर्निटी एज अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, याद रखिएगा मॉडर्निटी को अधूरी परियोजना के रूप में कौन से थिंकर हैं जो अधूरी परियोजना के रूप में देखते हैं, और ये भी बताइएगा साथ में कमेंट बॉक्स में कि मॉडर्निटी को जगरनॉट किसने कहा है, जगरनॉट, जगरनॉट किसने कहा है मॉडर्निटी को, ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइएगा जगरनॉट किसने कहा है। बिल्कुल सही है आप लोग, यूर्गेन हेबरमास इज द करेक्ट आंसर, मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट जो है हेबरमास ने कहा था। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, बताइए गलत सुमेलित कौन सा है निम्नलिखित में से, गलत सुमेलित कौन सा है, जो सही सुमेलित है, सुमेलित हैं उन सबको याद कर लीजिएगा। एंथोनी गिडिंस ने दिया था बिल्कुल सही जगरनॉट, जगरनॉट एक बहुत तेजी से मूवमेंट करने वाली गाड़ी को कहा जाता है, वाहन को कहा जाता है, उड़ंत अश्री को कह सकते हैं, बड़े से रथ को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एंथोनी गिडिंस ने कहा था। एंशियंट सोसाइटी जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर की किताब नहीं है, याद रखिएगा एंशियंट सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर की किताब नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉल्ड ट्राइब अ सब नेशन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने जनजाति को उपराष्ट्र कहा है, बताइए जनजाति को उपराष्ट्र किसने कहा है, उपराष्ट्र किसने कहा है जनजाति को, एनके बोस ने कहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, एनके बोस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा छठी अनुसूची राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। यस, वेरी गुड, जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, लेक्चर को। मणिपुर नहीं आता है, मणिपुर की जगह क्या आता है, मिजोरम, याद रखना मिजोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, एन अनस्किल्ड वर्कर गेट्स एजुकेटेड एंड बिकम्स अ डॉक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक अकुशल कर्मचारी शिक्षित होकर के डॉक्टर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है, बताइए जल्दी से, एक
कुशल एक श्रमिक जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करता है और एजुकेशन लेता है और फिर उसके बाद डॉक्टर बन जाता है, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? फटाफट से, और लाइक नहीं किया है स्टूडेंट्स आप लोगों ने, जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को फटाफट से। ये किसका एग्जाम्पल है ये? नो 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 नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। ये इंट्राजेनरेशनल का एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स? बच्चे नहीं, आप लोग सब बहुत बड़े हैं। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी इसे कहा जाता है, ठीक है? अपने ही जीते जी एक व्यक्ति अपनी कौशल से, अपने त्याग से, अपने तपस्या से, अपनी मेहनत से, वो एक श्रमिक से पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है, उस प्रक्रिया को इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहा जाता है, ठीक है? और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। मेगा वर्कशॉप लेने वाली है तोशिबा शुक्ला मैम, 30 सितंबर को, याद रखिएगा, ठीक है? इमाइल दरखाइन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव? इमाइल दरखाइन कौन से सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं, बताइए फटाफट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? प्रकार्यवादी हैं वो, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवादी। क्वेश्चन नंबर 9, एफ जी बेले इज कंसीडर्ड टू बी ओनली एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैरेक्टराइज्ड ट्राइब इन टर्म्स ऑफ। बेले ने एकमात्र बेले एकमात्र मानव विज्ञानी है जिनकी जो किस विशेषता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ट्राइब्स का अध्ययन किया, आदिवासियों का अध्ययन किया है, ठीक है? तो वो कौन सी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, उनकी थ्योरी किस विशेषता के लिए जाने जाती है, बताइए। यस, सेजिमेंट्री प्रिंसिपल, खंडीय सिद्धांत, ठीक है, खंडीय सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वेबर देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ लेजिटिमेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम? वेबर के अनुसार वैधीकरण की तीन प्रणालियां है, ठीक, इन निम्न में से कौन सा नहीं उन्होंने बताया है, बताइए जल्दी से, वेबर ने कौन सा नहीं डिस्कस किया है? यस यस संजीव, वेरी गुड, ठीक है, वेबर ने रिलेशनल अथॉरिटी नहीं दी है, ऑप्शन सी, ठीक, पारंपरिक सत्ता, करिज्मेटिक और रेशनल लीगल उन्होंने दिया है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रिपीट किया है स्टूडेंट, ये जो है ना थोड़ा सा पिछले बार गलत हो गया था, ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के यहां पे आया हूं कि भाई कोई भी गलत नहीं करके आएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर एनालाइज द इंटरनेट लीड्स टू एनालाइज दैट द इंटरनेट लीड्स टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड बेटर सोसाइटी? निम्नलिखित में से किस विचारक ने विश्लेषण किया है और पाया कि इंटरनेट एक अधिक सूचित और अधिक बेहतर समाज की ओर हमें लेकर के जाता है, ठीक। मैं ये आपको रटा देना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि एक बार मेरे से ही आंसर जो है मैंने गलत अनाउंस किया था, ठीक, तो होता है कभी कभी ऐसा। इसके सही आंसर कौन है? राबिया कराकाया पोलाट, याद रखना स्टूडेंट्स, राबिया कराकाया पोलाट ये सही आंसर है, राबिया कराकाया पोलाट, ठीक है, राबिया कराकाया पोलाट, याद रखना। ये कहते हैं कि इंटरनेट लीड्स टू मोर बेटर सोसाइटी, मोर इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, इंटरनेट अधिक सूचित और अधिक बेहतर समाज बनाता है, राबिया कराकाया पोलाट। इन मार्क्सिस्ट थ्योरी डेथ इज द वर्किंग क्लास, मार्क्स मार्क्सवादी सिद्धांत में डैश मजदूर वर्ग कहलाता है, डैश में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12,
क्या बात है, आप लोगों के कमेंट्स रुक गए। तो डैश प्रोलिटेरियट यानी सर्वहारा, सर्वहारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, हु सेड रिवॉल्यूशन आर लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री। निम्नलिखित में से किसने कहा कि क्रांतियां जो हैं वो इतिहास का इंजन है, यानी समाज क्रांतियों के कारण ही एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, कौन कहते हैं? फटाफट से बताइए। तो इसके सही आंसर हैं कार्ल मार्क्स। वेरी गुड, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आगरा घराना। बताइए, आगरा घराना के संस्थापक कौन है? आगरा घराना में क्या था? पागल खाना, सॉरी आगरा में नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्वालियर में था पागल खाना। ठीक है, जल्दी से बताइए 14 का आंसर। क्या बात है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। सूजा खां। ठीक, सूजा खां। ठीक, सूजा खां इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 15। यार इसका सूजा खां, ये क्वेश्चन लगता है कि गलत हो गया है कुछ। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा थोड़ा, या 1 मिनट मैं देख के बताता हूं। ठीक है, अब भी आगरा घराना आया था, आगरा घराना में मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, जल्दी बताइए फटाफट से। जस्ट अ मिनट, बस बस पहुंच गए आगरा घराना पे। आगरा घराना के संस्थापक सूजा खां और घग्गे खां, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये ग्वालियर गलत लिखा था यार तुम लोग ना, सॉरी ये ग्वालियर नहीं है, ये आगरा, आगरा में पागल खाना है यार। ठीक है, आगरा में पागल खाना है, पागल लोग मार मार के सुझा देते हैं और पागल लोगों का चिल्ला चिल्ला के गला भी गग्घे जैसा हो जाता है। ठीक है, तो आगरा था ये, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं सर से भी। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? यस ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए सुजा खान, लेकिन अब इससे ये हो जाएगा कि आपको कभी भी गलती नहीं होगी, है ना, याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एलीट थ्योरी। कुलीन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, कुलीन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, चलो किसे कहा जाता है? विल्फ्रेड परेटो को कहा जाता है, विल्फ्रेड परेटो। विल्फ्रेड परेटो को कुलीन सिद्धांत का जनक कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड थ्री फोल्ड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय वर्गीकरण दिया है समाज का? बताइए, त्रिस्तरीय किसने दिया है, किसने डिस्कस किया है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरे तक सवाल जो हैं, कमेंट जो हैं, वो थोड़े लेट आ रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई, लेट नहीं आना चाहिए। यस, किसने दिया है? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, अगस्त कॉम्ट। ठीक है, तीन चरणों का नियम। जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, यूजीसी नेट 2022 में यहां से सवाल आएगा, भविष्यवाणी। द एंट्रेंस टू द टेंपल इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर इज नोन एज। मंदिर के प्रवेश द्वार में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए एक जगह बनी हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है? आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से ये सवाल है, यूनिट 10 का सवाल है। बताइए,
बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, पढ़ाया है, सबका आंसर जो है मोस्टली गलत आ रहा है। नहीं, गर्भगृह तो बेटा बहुत छोटा सा होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे मंडप कहा जाता है, मंडप, मंडप। ध्वज जो होता है वो ध्वज जो होता है आपने मंदिर के सामने देखा होगा, जहां पे झंडे लगे रह लगाते हैं, जहां पे स्थान होता है, ठीक है, जहां पे वाहन जो है वो खड़ा होता है देवी देवताओं का, उसे ध्वज कहते हैं, ठीक है। गर्भगृह जहां पे मूर्ति रखी होती है ना, उसके नीचे बना हुआ होता है। विमान जो गुम्बद वाला हिस्सा होता है ना, उसे विमान कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, हु क्लैरिफाइज दैट जेंडर डिफरेंस इन सोसाइटी मेक्स मैन सुपीरियर थ्रू देयर रोल एज ब्रेड विनर। अब भी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, कौन स्पष्ट करता है कि समाज में लिंग भेद पुरुषों की उनकी भूमिका के माध्यम से उन्हें श्रेष्ठ बनाता है। मैंने आपको समझाया भी था कि क्या होता है, वो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल रखते हैं, इसलिए मैन जो है सुपीरियर है। किसने कहा था ये बात बताए जल्दी से। यस ग्रेट, तो इसका सही आंसर क्या है, जे मिशेल है, सॉरी ये गलत है, जे मिशेल, ठीक है, जे मिशेल ऑप्शन बी, ठीक है, मिशेल, मिशेल पाओ होता है ना ब्रेड विनर, ठीक है, मिशेल पाओ ब्रेड विनर, ठीक, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द फर्स्ट फॉर्मली ट्रेन्ड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कल्चर अपॉन द वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन ट्राइब्स। कौन से पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने गैर आदिवासी संस्कृति का प्रभाव आदिवासियों पर देखा है, ठीक है, जनजातियों पर, गैर जनजातियों का प्रभाव का अध्ययन किया है, कौन थे वो, कौन है, कौन से वो विचारक हैं। और स्टूडेंट्स की संख्या कम हो रही है, जल्दी से शेयर करिए, बढ़ाइए, कौन है वो मैक्स वेबर हैं, मैक्स वेबर, ठीक है यार, ये ठीक है, अभी के लिए तो मैक्स वेबर ही ध्यान रखिएगा। नहीं, ये जो है ये डीएन मजूमदार ही है, राइट, ये डीएन मजूमदार है, ठीक है, सॉरी सॉरी, डीएन मजूमदार, ठीक है, डीएन मजूमदार है, राइट, बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी, डीएन मजूमदार, राइट। चलिए, हु सेड दैट स्पिरिट ऑफ वर्ना सिस्टम वर्क अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। किसने कहा था कि वर्ण व्यवस्था की आत्मा पूंजीवाद के विकास के खिलाफ काम करती है, यानी वर्ण व्यवस्था जो है वो ऐसी व्यवस्था है जो पूंजीवाद के खिलाफ है, कौन कहा कहते हैं ये, कौन है जो ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पूंजीवाद के खिलाफ है, बताइए कौन है वो जो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है पूंजीवाद के खिलाफ है, फटाफट, मैं सबका आंसर देखना चाहता हूं, बहुत मिला जुला आंसर आ रहा है, बहुत मिला जुला, और इसका सही आंसर क्या है, मैक्स वेबर, इसके मैक्स वेबर थे, समझ गए, मैक्स वेबर इसके जो ऑप्शंस थे ना वो वहां चले गए, ठीक है, इसका मैक्स वेबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज।
सामाजिक संपर्क के अध्ययन के रूप में नाट्य प्रदर्शन किस रूप में जाना जाता है? बताइए। तो इसे क्या कहा जाता है? ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस कहा जाता है, नाटकीय विश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु सेड इन एवरी सोसाइटी विमेन आर व्यूड एज क्लोजर टू नेचर वेयर एज मैन आर आइडेंटिफाइड विद कल्चर? किसने कहा कि हर समाज में महिलाओं की प्रकृति, महिलाओं को प्रकृति के करीब और पुरुषों को संस्कृति के करीब देखा जाता है? किसने महिलाओं को प्रकृति के करीब और पुरुषों को संस्कृति के करीब देखा है? यानी फीमेल्स आर मोर क्लोज टू नेचर एंड मैन आर मोर क्लोज टू कल्चर, ये बात किसने कहा है? यस, शेरी ऑटनर, वेरी गुड, शेरी ऑटनर। ठीक है, अच्छा रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, ग्रेट, वेरी गुड। 23 पे आएंगे, मगर टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर नाम से टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्यू मॉडर्निटी एज अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट? मॉडर्निटी को, आधुनिकता को अधूरी परियोजना के रूप में कौन देखता है? बताइए जल्दी से। और इसका सही आंसर क्या है? यूर्गेन हेबरमास, यूर्गेन हेबरमास। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? बताइए। कौन सा मिलान गलत है? जल्दी से, कौन सा मिलान गलत है? यस, गुड, ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। देखिए यार, देखो, गलत है, गलत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ये गलत है, ये सही है। देखो यार, तुम लोगों का देखो नकल भी, तुम लोग अकल नहीं लगाते। ये वाला सही, ये भी सही, ये भी सही, ये इसका करेक्ट आंसर है। डायनेमिक सोशियोलॉजी जो है किसने लिखी है? एल एफ वार्ड। एल एफ वार्ड, डायनेमिक सोशियोलॉजी, एल एफ वार्ड। ये याद रखना, इसमें सभी बुक्स के नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक। हर्बर्ट स्पेंसर की मैन वर्सेस स्टेट है, स्प्रेंगलर की डिक्लाइन ऑफ वेस्ट है, जूलियन स्टीवर्ड की थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर इवोल्यूशन है, और डायनेमिक सोशियोलॉजी एल एफ वार्ड की है। चकरा गए ना? यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यार इस तरह की गलती कभी मत करना एग्जाम में, ऐसी सिली मिस्टेक करके आते हो आप लोग। अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड, अ सोसाइटी इन विच बोथ मेल एंड फीमेल आर डिस्प्लेड मैस्कुलाइन टेम्परामेंट, मार्गरेट मीड के अनुसार जिस समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों को मर्दाना स्वभाव का प्रदर्शन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मार्गरेट मीड ने तीन तरह की पर्सनैलिटी बताई है, ठीक है। उसमें से कौन सी पर्सनैलिटी मैस्कुलाइन ट्रेड को, मैस्कुलाइन मर्दाना स्वभाव को प्रदर्शित करता है? देखिए, इसमें भी आप लोगों को बहुत मिला जुला आंसर आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है ना, मुंडू गमोर है, ठीक है, मुंडू गमोर, ठीक, ऑप्शन बी है, बी, मुंडू गमोर, ठीक, मुंडू गमोर। और कौन कौन सी तीन इन्होंने डिस्कस किए? इन्होंने अरापाइश, मुंडुगमोर और सांबुली डिस्कस किए, ये तीन उन्होंने डिस्कस किया। अप्लांशियन उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। अप्लांशियन किसने दिया है? जूनी।
नहीं, जूनी कल्चर में पाया जाता है, जूनी कल्चर में अपलांचियन पर्सनैलिटी पाई जाती है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। बोथ मेल और फीमेल जो है मैस्कुलाइन होते हैं, तो वो मुंडू गमोर होता है, ठीक। शाम्बुली होता है, पक्का याद है राफिया? 1 मिनट अभी मैं देख के बताऊंगा। 26, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल सेल्फ, द इंडिविजुअल एंड द सोशल सेल्फ के लेखक कौन है, बताइए फटाफट से। जल्दी से, यस यस, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी वेरी गुड। नहीं, मुंडू गमोर ही उसका सही आंसर है भाई, ठीक है, मुंडू गमोर इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट मुंडू गमोर ही है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है, सबको पता था, इंडिविजुअल एंड द सोशल सेल्फ किताब जो है वो है राधा कमल, इंडिविजुअल एंड द सोशल सेल्फ, जीएच मीड की किताब है, ठीक है, मीड की किताब है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैज फ्रीक्वेंटली इलस्ट्रेटेड एथनोमेथोडोलॉजिकल एनालिसिस बाय मीन्स ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ सर्विस लाइंस, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सेवा लाइनों के चित्रण के माध्यम से अक्सर नरवंश विज्ञान का विश्लेषण किया है, बताइए। किसने किया है, सबको पता है अच्छी तरह से, गारफिंकल, हरोल्ड गारफिंकल, और अकाउंटिंग का भी इन्होंने ही जो है यूज किया है, ठीक, इंडेक्सिकलिटी भी इन्होंने यूज किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कंसीडर ग्लोबलाइजेशन टू बी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक वैश्वीकरण को आधुनिकीकरण का स्वाभाविक परिणाम मानता है, बताइए, ग्लोबलाइजेशन को स्वाभाविक परिणाम मानता है कौन सा थिंकर? यस गुड, वेरी गुड, कौन मानता है, एंथोनी गिडेंस, ठीक है, याद रखिएगा गिडेंस। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेसेस टू फंडामेंटल वे टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, सबसे पहला मीन टू एंड और ह्यूमन एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन प्रौद्योगिकी को समझने के लिए दो मूलभूत तरीकों को संबंधित करता है, एक है लक्ष्य के साधन के रूप में, ये अंत की जगह लक्ष्य कर दीजिएगा, लक्ष्य के साधन, और एक मानवीय गतिविधि के रूप में, कौन बताता है टेक्नोलॉजी को?
क्या बात है अनीता, बहुत लेट ज्वाइन कर रही हैं क्लास को। ऑप्शन सी एमंड हसल, एमंड हसल, ठीक है एमंड हसल, ठीक है एमंड हसल। क्वेश्चन नंबर 30, स्वालू, मौली, गिम्बाली एट्सा एट्सेट्रा आर टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमोनियल एक्सचेंज। सोलवा, मौली, गिम्बाली आदि जो हैं, निम्नलिखित में से किस औपचारिक आदान प्रदान से जुड़ा हुआ शब्द है? और ये सब जो है ना, ये एक्सचेंज के एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना, ये टाइप ऑफ एक्सचेंज हैं, ये सारे टाइप ऑफ सेरेमोनियल एक्सचेंज। ठीक है, ये याद रखना। यस, कुला, ठीक कुला। क्वेश्चन नंबर 31, हु बिलीव दैट रिलीजन एंड मैजिक आर टू वेज डीलिंग विथ मेजर क्राइसिस ऑफ लाइफ। किसके अनुसार धर्म और जादू दो प्रमुख तरीके हैं संकटों से निपटने के लिए? मैजिक और रिलीजन दो प्रमुख तरीके हैं। अरे यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ठीक है, ऑप्शन बी फ्रेजर, फ्रेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जूलियन स्टीवर्ट क्वाइंड द टर्म कल्चरल इकोलॉजी। निम्नलिखित कौन सी किताब में मानव विज्ञानी जूलियन स्टीवर्ट ने सांस्कृतिक परिस्थिति की शब्द जो है सबसे पहली बार गढ़ा था? जूलियन स्टीवर्ट ने सांस्कृतिक परिस्थिति की शब्द कौन सी किताब में गढ़ा था? यस, वेरी गुड, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज। ठीक है, थ्योरी ऑफ संस्कृति परिवर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33, हु रोट बुक कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम ट्रांसलेट नहीं होता है, ठीक है याद रखिएगा। कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? क्या बात है, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, ठीक। विपिन चंद्रा ने लिखी है कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन बी यार, बी बी, ठीक है, विपिन चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, मगर अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो क्या फायदा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या फायदा, ठीक है, और नहीं किया तो क्या किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बायजूज एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर नाम का है, उसको ज्वाइन कर लो। और अगर सोशियोलॉजी के लिए बेस्ट क्लास सर्च कर रहे हो तो 9241333666 पर कॉल कर लेना, इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला कहीं भी। When was the term social forestry used for the first time in India? पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया गया था बताइए? हाँ, मेरे को मैसेज लेट मिल रहे हैं और कुछ ज्यादा ही लेट मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री शब्द जो है सबसे पहली बार 76 में, 1976 में आया था।
क्वेश्चन नंबर 35, हु रोट द बुक द क्रेडेंशियल सोसाइटी। द क्रेडेंशियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही इन्फ्लेटेड क्रेडेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेटेड क्रेडेंशियल का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है, बताओ। 35 का आंसर, इसका सही आंसर क्या है, रैंडल कोलिंस। नहीं, एक मिनट यार, बताइए जब सब लोग आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। यस राइट, रैंडल कोलिंस है, बिल्कुल सही है, रैंडल कोलिंस। ठीक, अब ये समझ लो कि इन्फ्लेटेड क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेटेड क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, आपको पता होगा कि महंगाई, ठीक, महंगाई क्या होती है, जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, यानी चीजों की जो रियल में कीमत होती है वो नहीं रह जाती, तो ये क्रेडेंशियल्स, इन्फ्लेटेड क्रेडेंशियल्स क्या होता है, समझा देता हूं मैं आपको। जैसे 1950 के आसपास जो लोग बैचलर्स डिग्री कर लेते थे ना, बैचलर, जो लोग स्नातक कर लेते थे, वो लोग बहुत एजुकेटेड माने जाते थे, बहुत शिक्षित माने जाते थे। ठीक, लेकिन आज की डेट में अगर हम 2022 में देखें तो बैचलर डिग्री आज की डेट में कुछ रही नहीं है, ये 10th क्लास के बराबर हो गई। हर इंसान बैचलर करने लगा, ये 10th क्लास के बराबर हो गई। इसी को इन्फ्लेटेड क्रेडेंशियल कहा है, इसने, रैंडल कोलिंस ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट। सिंपल सवाल है, आप लोगों को याद कराने के लिए मैंने ये सवाल दिया है, कौन सा मैच गलत सुमेलित है, बताइए। सिंपल सवाल है, बाकी के तीन याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। ग्रेट, वेरी गुड, तो सबको मालूम था इसका आंसर ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए। ठीक, ये क्या था, ये गैस MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन ए गलत है, ये गलत है, ये नहीं है, गैस लीक था, ये जानबूझ के दिया है। चेर्नोबिल जो है वो न्यूक्लियर डिजास्टर था। ठीक, मिनामाता डिसीज, मर्करी पॉइजनिंग, तंबूरा डिजास्टर, वॉल्केनिक इरप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी इन हिज बुक मैन इन हिज एनवायरमेंट। ठीक, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, इन पर्यावरण समाजशास्त्र, सबसे पहली बार शब्द किसने इस्तेमाल किया है अपनी किताब मैन इन हिज एनवायरमेंट में, बताइए फटाफट से, सब लोग आंसर करें। यस, वेरी वेरी गुड। यस, ग्रेट ग्रेट, ठीक है,
इसका सही आंसर क्या है? सैमुअल क्लाउजनर। सैमुअल क्लाउजनर, याद रखिएगा, इस तरह के सवाल बहुत पूछ रहा है आजकल यूजीसी नेट। ठीक, सैमुअल क्लाउजनर। क्वेश्चन नंबर 38, हु सेड वी आर एथिकल बीइंग, एथिक्स परवेड्स अवर एंटायर एग्जिस्टेंस, हम नैतिक प्राणी हैं, नैतिकता हमारे पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, ये किसने कहा था? बताइए जल्दी जल्दी। पाउलो फ्रियरे। ठीक, पाउलो फ्रियरे ने कहा था। ठीक है, पाउलो फ्रियरे। ठीक, नैतिकता हमारे पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, ये कौन कहते हैं? पाउलो फ्रियरे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन इट कम्स टू जेंडर, हु आर्ग्यूज दैट इरोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स कैन नॉट बी रूटेड आउट, जब लिंग की बात आती है तो कौन तर्क देता है कि इसमें कामुक घटकों को खत्म नहीं किया जा सकता? ठीक, अब भी पढ़ाया मैंने, जस्ट अभी इसी क्लास में पढ़ाया है, अब भी रिवीजन के टाइम पे यूनिट 10 के। हो गए, अभी कंफ्यूज हो गए। एलिन गटमैन, जस्ट अभी पढ़ाया है यार, एलिन गटमैन। ठीक है, बता दूं क्या कहां पे पढ़ा है? देख लो, एलिन गटमैन अभी पढ़ाया, अभी जस्ट। इसीलिए बोलता हूं कि भैया जो रिवीजन वाली क्लास है ना, उसको अटेंड कर लिया करो महाराज, भला हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। ये देखो, इरोटिक कंपोनेंट, एलिन गटमैन, एलिन गटमैन, इरोटिक कामुक घटक। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया और आप लोग चकरा गए। ठीक ठीक है, चलिए। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर अटेम्प्टेड टू प्रूव रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ द व्हाइट, निम्नलिखित में से किस विचारक ने गोरों की नस्लीय श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया है? अरे आप लोगों का एग्जाम आता है तो हम लोग सब सीरियस हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, चलो, इसका सही आंसर क्या है? अभी पढ़ाया है, अर्थर डी गोबिनियू। अर्थर डी गोबिनियू। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 41, हु सेड सोशल इकोलॉजी एम्फसाइजेस दैट डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ गोज हैंड इन हैंड विद डेस्टिनी ऑफ नॉन ह्यूमन वर्ल्ड, सामाजिक परिस्थिति की इस बात पर जोर देती है, किसने कहा था कि सामाजिक परिस्थिति इस बात पर जोर देती है कि मानव जीवन गैर मानवीय दुनिया की नियत के साथ साथ चलती है, यानी अगर आप गैर मानवीय दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगे तो मानवीय दुनिया भी अपने आप नष्ट हो जाएगी, ये कौन कहता है? यस, गुड, इसका सही आंसर मरे बुकचिन है। ठीक है, अगर आप गैर मानवीय दुनिया का ध्यान नहीं देंगे तो हमारी मानवीय दुनिया भी मर जाएगी, मरे बुकचिन कहते हैं, ऐसे याद करो। हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क थ्योरी, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय उद्यान सिद्धांत की स्थापना करने की बात की थी आदिवासियों के संदर्भ में? नेशनल पार्क थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप, कौन कहता है कि नेशनल पार्क थ्योरी बना दो?
ये कहने वाले थे वरियर एल्वेन, वेरियर एल्वेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इन टू एग्जिस्टेंट इन विच ईयर, ने राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, किस वर्ष ना राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। ऐसा मत करो यार, सेशन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो इस चैनल, इस लेक्चर को। 100 क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लाइक करो जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहली वन नीति और नेशनल फॉरेस्ट पहले पॉलिसी 1988 में आई थी। अरे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यार, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय वन नीति जो थी ना वो 1988 में आई थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, पहले भी मैं इसको सही करा चुका हूं आप लोगों। क्वेश्चन नंबर 44, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड। 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम में कौन से प्रकार की भूमि को अधिनियमित किया गया था। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक, प्राइवेट और पब्लिक दोनों लैंड को, बोथ ए एंड बी, प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की भूमियों को जो है अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट डील्स विथ नेचर ब्यूटी एंड टेस्ट, दर्शन की वह शाखा जो सौंदर्य स्वाद और प्रकृति से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। और तुम लोग चैनल लेक्चर को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, हैं? किंकरी देवी किससे संबंधित थी, किंकरी देवी खदान से संबंधित है, खदान, खदान, ठीक, माइंस। चलो क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत सरल सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है, कौन सा नेता नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो इससे संबंधित है मेधा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 48, बंगारी मथाई इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट, बंगारी मथाई कौन से पर्यावरण आंदोलन से संबंधित हैं, जल्दी से बताइए। तो ये संबंधित हैं ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से, जो हरित पट्टी का आप देखते हैं ना सड़क, सड़क के किनारे, वो बंगारी मथाई ने दिया था और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ग्रीन पीस मूवमेंट किससे संबंधित है, ग्रीन पीस, जल्दी से बताइए। स्टोवी एंड डोरोथी, ठीक, स्टोवी एंड स्टोवी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से संबंधित है, कौन सा गोल किस गोल से संबंधित है, जल्दी से बताइए। ये देखो यहां पे मैंने ये ऐसे बना रखा है, इसको देख करके बता देना अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 1,
किससे संबंधित है? गोल नंबर एक, नो पॉवर्टी, सबसे पहला गरीबी को खत्म करो। छह किससे संबंधित है? छह मतलब छैनिटेशन, छैनिटेशन, स्वच्छ, ठीक है, छैनिटेशन, ठीक ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। सेवन किससे संबंधित है? कोई कंफ्यूजन है क्या सबको? कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? सेवन संबंधित है क्लीन एनर्जी से और 13 संबंधित है क्लाइमेट एक्शन से। तो देख लो, सी का 4 होना चाहिए, ये वाला सही है, ऑप्शन सी, ये वाला सही है, ऑप्शन सी। तुम लोग सब ना मतलब याद नहीं रख पाए हो, बताओ। 13 एक्शन, 13 एक्शन, 13 क्या एक्शन है इस पे? 13 क्या एक्शन है इस पे? एक्शन कर, होमवर्क लिख। 13 क्या एक्शन है? 13 एक्शन होना चाहिए कि होमवर्क लिख लेना चाहिए? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटेमिज्म, टोटेमिज्म की अवधारणा की व्याख्या करिए। 13 क्या एक्शन है? एक्शन ले, बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर ज्वाइन कर। टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको क्या करना होता है? अपना नाम लिख दीजिए, BEP लिख दीजिए नाम के बाद, लिख दीजिए यूजीसी नेट और भेज दीजिए 7838517884 पर, और सफल हो जाइए, अपना जीवन सफल कर लीजिए, ठीक है? सफल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जरूर से, ठीक। एनरोल करना है 9241333666 पर कॉल कर लीजिए। एक्शन, 13 एक्शन क्या है इस पे? 13 एक्शन ये होना चाहिए कि अगर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 30 सितंबर को 8 बजे शाम को तोशिबा मैम का क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।